को नमन। ये सारा देख रहे हैं कि स्टेज के ऊपर आपने एक भी नेता को ऊपर नहीं बिठाया। व्यवस्थाएं बनाए रखें, व्यवस्थाएं बनाए रखें, प्लीज व्यवस्थाएं बनाए रखें। ऐसा है, इन्होंने कह दिया कि 2 मिनट में बोलना है, तो मैं मेरा भाषण समाप्त करता हूं और हम आगे नहीं बोलेंगे। आप अपनी मीटिंग चलाइए। और हमने सुन लिया कि मंत्रियों का खूब स्वागत कर दिया, और जो नेता बनना चाहते हैं ये सारा देख रहे हैं कि स्टेज के ऊपर आपने एक भी नेता को ऊपर नहीं बिठाया। आपका पता लग गया कि आप में कितनी एकता है। मैं मेरा भाषण खत्म करता हूं। आपने पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री नारायण मीना जी का मत किया है। साथियों देखिए, आप लोग पेशेंस रखिए, आप हर वक्ता की बात को सुनने की क्षमता रखिए, हर तरह की बात को आपको सुनना चाहिए। शांत रहिए, आपसे विनती है, कृपया शांत रहिए। बोलना चाहते आप शांत रहे। जगह जगह साथियों, अम्बेडकर को नमन करता हूं, बिरसा मुंडा को नमन करता हूं, को जो हमारे भाई शहीद हुए थे उनको नमन करता हूं, और डूंगरपुर में जो घटना में हमारे हम शहीद हुए थे उनको नमन करता हूं। सभी इस समारोह में उपस्थित भाइयों बहनों और इस समारोह के आयोजक करने वाले अम्बेडकर सोसाइटी के अध्यक्ष माननीय साहब भेड़ा साहब और हमारे बहुत सारे पदाधिकारी का मंत्री का एमएलए भाइयों और बहनों साथियों, संविधान का मूल लक्ष्य है विषमता को समानता प्रदान करना। आरक्षण का लाभ 2 तरह का है, आपकी सर्विसेज में और पॉलिटिक्स।